पिछले साल तुम बहुत रोए थे ना। हाँ तो अच्छा तो क्या करें, ऐसा कभी बहुत ऐसा सोच के है ना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेशन आ गया है। वैसे मम्मी का कल बर्थडे था 13th of July, बट हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि थर्सडे को ना कोई भी फ्री नहीं होता है, सब लोग ऑफिस स्कूल वगैरह सारी चीज़ें होती है, सब बिजी रहते हैं। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया था कि हम फ्राइडे को उनका बर्थडे सेलिब्रेट करें, यानी कि आज 14 जुलाई को। और एज यूजुअल मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप देख सकते हो मैं मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से रेडी हो गई हूँ क्योंकि मम्मी का बर्थडे है। जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लेकर आया, मेरी उस जन्नत का बर्थडे है। और आज जो है मैंने बनाया, मैंने मतलब खाला को बुलाया था बनाने, क्योंकि आपने देखा कल जो है कितना स्ट्रेसफुल डे था, शूट वगैरह से मैं बहुत थक गई थी, तो मेरा तो पॉसिबल नहीं हुआ बनाना। तो खाला ने मुझे बोले थे कि मैं बना कर दे दूँगी गुलगुले। ये जो है आयत को बहुत पसंद है, मेरी भतीजी को, तो मुझे बहुत पसंद है, अनु को बहुत पसंद है, और घर में सबको पसंद है, वैसे मम्मी को भी पसंद है। तो फिर मैंने सोची चलो बनाकर लेकर जाते हैं। और मैं जब भी पिंपरी जाती हूँ ना, तो मैं कुछ ना कुछ थोड़ा क्यों नहीं होता, मैं घर की चीज़ बनाकर लेकर ही जाती हूँ। तो आज मैं लेकर जा रही हूँ गुलगुले। और मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम एक रेस्टोरेंट में, जिन उन्होंने हमको इनवाइट किया है। तो मैंने सोचा चलो, बहुत अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो में उन वो एम्बियंस, और मैंने सोचा इससे परफेक्ट डेस्टिनेशन नहीं हो सकता मम्मी के बर्थडे का। और मेरे मम्मी को ना बाहर का खाना खाना बहुत पसंद है, क्योंकि ना हमारे पेरेंट्स ने ना पहले कभी मतलब अपनी लाइफ एंजॉय ही नहीं किए, सब कुछ हमारे पीछे उन्होंने टाइम निकाल दिया। हम लोग तो भी एटलीस्ट अभी जाते हैं बाहर खाना खाने, बट हमारे पेरेंट्स कभी नहीं जाते थे। जाते थे कभी कभार, अब्बा लेकर जाते थे, बट इतना मेरे मम्मी ने मतलब इतना नहीं करे। लेकिन हमारे राज में मेरे मम्मी अब्बा दोनों भी बाहर खाते हैं, तो फिर मेरे मम्मी को तो बहुत ज़्यादा शौक है बाहर खाने का, और जैसे मुझे ज़्यादा शौक है बाहर खाने का, वैसे उनको भी बहुत शौक है खाने का बाहर। तो मैंने सोचा चलो बाहर उनको डिनर प्लान करते हैं उनके लिए, और फिर मैं आज जाऊँगी पिंपरी तो मम्मी के साथ ही जाऊंगी और मम्मी के साथ 2 दिन स्पेंड करूंगी। और मैं शायद 2 दिन कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ना मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मी टाइम और घर वालों के टाइम के लिए जा रही हूँ, और थोड़ा आराम करने के लिए जा रही हूँ। बस घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करूंगी और थोड़ा आराम करूंगी 2 दिन, और फिर वापस वैसे भी मंडे से वही रूटीन चालू, स्कूल एंड डेली लाइफ वही चालू होता है। तो बस बहुत सारी बातें हो गई, मैं आपको बताती हूँ हम कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहाँ पर चल के एक्सप्लोर करती हूँ। काफ़ी अच्छा लगा मुझे वीडियो में, और रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए लोगों के, मतलब हमारे रिलेटिव्स वगैरह जाकर आए हैं, तो उन्होंने बोला कि खाना वाना बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने सोचा चलिए जाते हैं बस। और हमारी जो अन मैडम है ना, वो बहुत ज़्यादा उदास है, इमोशनल हो गई है, क्योंकि उसको 2 दिन उसके अब्बू के बगैर रहना है। तो और आज दोनों आप देख सकते, देख मैं बताती हूँ उन लोगों का लुक, हम सबका लुक बताती हूँ, लेकिन शौहर जी और अनाया बिल्कुल एकदम ऐसे लग रहा है कि एक ही कपड़े से बना हुआ दोनों का ड्रेस है। तो बस वो लोगों ने वही पहना है, और मैं आपको दिखाती हूँ हमारा पूरा लुक। बहुत सारी बातें हो गई, फटाफट गुलगुले लेते हैं और निकलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का लुक, एकदम दोनों एकदम मैच हो गए हैं। और हमारी मैडम थोड़ी उदास है, क्योंकि उसको 2 दिन उसके अब्बू के बगैर रहना है, तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। 2 दिन के लिए तो जा रहे हैं यार, इतना वो रोज रात को मेरे पैर दबाती है, फिर अबू को सोने का टाइम पे अबू संभाल के सो, अल्लाह मतलब है ना, मतलब ऐसा जाता हूँ ऑफिस से आता हूँ तो इतना वेट करती बच्ची, तो वो सब मिस करेगी करके बोलते। और ये मतलब ये जो है ना, ये आपके मम्मी के रूप में आई है, मैं तो यही बोलूंगी, जो लाड़ प्यार आपके मम्मी मतलब देकर चले गए ना, तो वो हैंड ओवर अनु को दिए है, है ना, है ना शनी। चल अभी मुठ ठीक कर अपने को, बदा के पास भी, आपको बदा की भी तो याद आती ना बेबी, सिर्फ 2 डेज के लिए जाना है हमको बदा के पास। हाँ ओके मामा, ओके चलो चलो अबू को मिलो, अबू को वीडियो कॉल करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो मेरा अच्छा बच्चा, चलो सबको सलाम करो। चलो अभी उसको थोड़ा सा हम लोग मनाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेश हो जाएगी, फिर बापरे मैं कहीं ना रो दूं अभी ये प्यार देख के, माशाल्लाह। शादी होएंगी तब क्या करेंगे आपको, मेरे को लगता है दहेज में जाना पड़ेगा उसके साथ। गुड गर्ल, स्ट्रांग गर्ल है ना, उसकी उलझन ये है ना कि उसको नानी के पास भी रहने का रहता है, दादा को यही तो मेरा भी तो यही उलझन, मेरी भी तो यही उलझन है ना, क्या कर सकते हैं, वो एकदम ये हो जाती है। हाँ। कोई बात नहीं बेटा, 2 डेज की तो बात है, 2 डेज भी नहीं, कल एक दिन और फिर संडे को तो रात में आप आ ही जाओगे ना लेने, फिर मंडे से स्कूल, नहीं तो फिर तुम अब्बू के पास रह सकते, ये भी ऑप्शन है।
उसको नानी भी चाहिए, बता भी चाहिए, ऐसा है। नानी के लिए? वाओ, ये किस आपने लाए नानी के लिए? वाओ, क्यों लाए आपने नानी के लिए? नानी बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं आपको नानी? बहुत ज्यादा ना। तो वनडे नानी के पास रह के आएंगे ना अपन, ठीक है? ओके चलो चलो, बहुत लेट हो रहा है, बस करो बाप बेटी का प्यार, बस। तो ये रहा मेरा आज का लुक, आज का आउटफिट। ये सूट है फ्रॉम अलराना मुमरा, तो मैंने इंस्टाग्राम पर इनको टैग कर दूंगी ये सूट के लिए, अगर आपको परचेस करना है तो जाइए और वहाँ पर जाकर आप डीएम कर सकते हो। उनका वेबसाइट भी है, सारी चीज़ें आपको इंस्टाग्राम पे डिटेल मिल जाएगी। मुझे ना इसका कलर बहुत प्यारा लगा, और आप लोगों को ये सूट कैसे लगा ज़रूर बताइए। और लकीली ना हमेशा मुझे हिजाब भी मैचिंग ही मिल जाता है, तो परफेक्ट मैच मुझे हिजाब भी मिल गया, तो कैसे लग रहा है ज़रूर बताइए। मैंने सोचा था शौर जी और मैं ना एकदम मैच होने वाले आज, बट अनु और शौर जी ज़्यादा मैच हो गए तो कोई बात नहीं, अच्छा है। फादर डॉटर ट्विनिंग बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। और आप लोग ऐसे ही खास करके अनु के अब्बू के लिए बहुत सारी दुआ करना, क्योंकि आपने देखे मेरे बच्चे, मैं उनके बगैर कुछ नहीं है। और बस मम्मी के लिए मैं ये कहूँगी कि बस क्या बोलूँ, मम्मी के लिए मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। आप लोगों को तो पता है माँ के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। पूरी दुनिया फिक्र करना छोड़ देगी, लेकिन माँ कभी भी फिक्र करना नहीं छोड़ती अपने बच्चों को, चाहे बच्चे कैसे भी हो, बट माँ कभी भी अपने बच्चों की फिक्र करना नहीं छोड़ती। और अब जो जब बच्चे बड़े हो जाते तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे माँ बाप को खुश रखें, और उनको जो चाहिए वो दे फैसिलिटीज़, और उनकी खुशी जिसमें है हम उसमें ही खुश रहे। और जैसे जैसे हमारे माँ बाप बढ़ते जा रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे मुझे पता नहीं, मेरे अभी हाथ भी कांपने लग गए। बस अल्लाह ताला हर माँ बाप का साया अपने बच्चों पे रखे अल्लाह ताला, बस यही बोलूँगी। माँ बाप की बात आई तो मैं ऐसे ही इमोशनल हो जाती हूँ। पहले तो मैंने शौर जी और अनु का वो देखी तो उससे मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई, फिर अब बस मैं आपको उधर मिलने के बात करती हूँ। तो फाइनली निकल चुके हैं, और जोया आज ब्लैक में, और इसका तो अनु का शौर जी का लुक देख लिया है, मेरा भी देख लिया है, जोया का मैं उधर जाने के बाद दिखाती हूँ, ठीक है? बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। बारिश एंजॉय करे शनी। आप बहुत प्रिटी लग रहे हैं माशाल्लाह। चलो आ गए अपू। जो सुकून मिलता तेरे आंचल में, ना कहीं मिलता दुनिया में। ये चीज उस तक खोखला नहीं है, बहुत सारा है। सिंपल नहीं, मम्मी के लिए लेना थोड़ा बड़ा। हम लोग शादी कभी दे रही तो इधर मम्मी बोल दिया। यकीन नहीं हो रहा ना आपको? किसको यकीन नहीं है बोलो, चलो कोई भी बुला कितनी देर बेटी बड़ी, मुझे तो होता है यकीन। नहीं नहीं, अरे अंकल शॉक हो गए, ये मेरी बेटी है, ये बाहर है, 5 साल की वो बाहर है। तो हम दोनों ही बात कर रहे थे, और इन्होंने बड़े प्यार से इनवाइट किया है, वो भी मम्मी के बर्थडे के लिए। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा स्पेशल लगता है कि ऐसे इनवाइट करते हैं, तो थैंक यू सो मच सर। इट्स अ प्लेजर टू सी यू। बहुत स्वीट हो आप, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थोड़ा ये कैमरा कॉन्फिगरेशन तो बस मैं अभी आप लोगों को ना ये मसाला टाइम्स का एम्बियंस पहले पूरा प्रॉपर दिखाती हूँ। एक्चुअली अभी तक घर वाले आए नहीं है, मम्मी उन लोग आए नहीं, जब आते हैं तो मैं हम लोग खाना स्टार्ट करेंगे। जब तक हम एम्बियंस देंगे, थोड़ा सा एंट्री किया ना मैंने, तभी मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, मतलब क्या बताऊँ। आप सिर्फ एम्बियंस देखो, और आजकल तो आप लोगों को पता है
खाने के साथ एम्बियंस कितना जरूरी है, क्योंकि हर किसी को सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, फोटो निकाल कर स्टोरी डालना बहुत पसंद है, तो ये बहुत अच्छी प्लेस है उस चीज़ के लिए। तो फटाफट मसाला टाइम्स को एक्सप्लोर करते हैं। एंट्रेंस भी बहुत अच्छी है, और टी स्ट्रीट ही है ना ये एरिया का ना, टी स्ट्रीट। तो ये कैंप टी स्ट्रीट पे ये रेस्टोरेंट है। आपको सारी डिटेल, सारी एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंट्री करते हुए ही बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत फ्रेश फील हो रहा है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पे मॉकटेल्स का सेक्शन है, यहाँ पे मॉकटेल्स बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये कौन सा मॉकटेल है भैया? एक्चुअली ये स्वीट मॉकटेल है, और okay. इसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा है, और फ्रेश फ्रूट से बनता है, टाइप ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड सम ऑयल। तो बहुत ही यूनिक नेम है फंकी मंकी मॉकटेल, तो टेस्ट करके मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। तो ये वाला जो सेक्शन है मॉकटेल का सेक्शन है, और सौदे से ही देख सकते हो बहुत अच्छी है। और फिर यहाँ से चलते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मुझे ना ये रेस्टोरेंट का नाम बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही यूनिक है, सच में बहुत अच्छा लगा। मसाला टाइम बहुत ही यूनिक नेम है, और आप देख सकते हो यहाँ पे भी अगर आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, बहुत ही बैकग्राउंड बहुत ही अच्छे, आप कहीं पर भी रुकोगे ना तो आपको बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो ये है इसका एंट्रेंस, यहाँ पे आपको सिटी केंद्र मिल रहा है, यहाँ पर भी है। और फिर हम लोग चलते हैं नीचे, जो कि फैमिली के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आ जाइए, नीचे सिटिंग एरिया है फैमिली के साथ आप लोग आ सकते हो। और आप देख सकते हो यहाँ पर भी कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी फोटो पिक्चर्स बहुत अच्छे होंगे। तो अब जो है मैं नीचे आ चुकी हूँ, और यहाँ पर है ना बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है ये, और बहुत ही प्यारा है सना, सच में वो छुप रही है कैमरे से, लेकिन सच में बहुत ही प्यारा है, बहुत ही एम्बियंस बहुत अच्छा है। अभी खाना हम टेस्ट करके बताएंगे आपको, एम्बियंस इतना अच्छा है तो खाना तो अच्छा होगा ही। तो आप देख सकते हो बहुत ही यूज बनाया है, बहुत सारे आराम से फैमिलीज यहाँ पर खा सकते हैं। और टेबल भी देखिए, ये एक्चुअली अभी नया नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। एरिया है, अगर आपको कुछ फंक्शन, बर्थडे, जो भी है छोटा मोटा फंक्शन करना है तो वो प्राइवेट एरिया में आके कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सेक्शन है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो है ये पूरा प्राइवेट सेक्शन है, तो आप लोग बर्थडे पार्टीज, भी छोटा मोटा फंक्शन रहेगा, बड़ी फैमिली होगी तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। आप देख सकते हो कितने खूबसूरती से बनाया गया है, एम्बियंस बहुत अच्छा है, मतलब हर जगह का एम्बियंस अलग और यूनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा है। तो ये है ये एम्बियंस, और इनको तो आप जानते होंगे, इनको भी आप जानते होंगे, फेविकॉल है दोनों। तो यहाँ पे जो है इतना बड़ा सेक्शन है, थोड़ा बहुत तो भी स्टार्टर वाटर खा लेते हैं, अभी घर वालों को आने के लिए टाइम है, एटलीस्ट एक घंटा लगेगा उन लोगों को, तो जब तक हम लोग थोड़ा बहुत टेस्ट करके मैं आप लोगों को बताती हूँ। और फिर उसके बाद मम्मी आएंगे, बस मैं उनको ही देख के खुश हो जाऊँगी, वो खाएंगे, वो पेट भर के खाएंगे, मुझे खुशी होगी। तो मैं अभी थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ टेस्ट कैसा है। अनु, फ्रेंच फ्राइज कैसे लगे आपको? अच्छा लगा। मेनू कार्ड भी आप देख सकते हो कितना यूनिक है, बहुत ही प्यारा सा, प्रिटी सा, ऐसे लग रहा है कि न्यूज़पेपर है। तो देखते हैं क्या क्या मेनू में है, चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग मॉकटेल्स और शेक्स ट्राई कर रहे हैं, जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग और टेस्टी है। और अब शौर्जी और जोया को पूछते हैं, बताओ कैसे लगा, मेरी आइडिया कैसे लगी? अच्छा लगा, टेस्ट भी अच्छा है, जैसे तुम बोल रहे हो ना रिफ्रेशिंग, वाकई में रिफ्रेशिंग और बहुत टेस्टी। बोले तो हर एक का बोले तो टेस्ट करेगी ना, तो सबके फ्लेवर्स एक्चुअली लग रहे हैं, बोले तो वही नेचुरल फ्रूट का वो फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही अच्छा है। और हमारी जो अनु मैडम है वहाँ पे आराम से बैठ कर फ्रेंच फ्राइज खा रही है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर आने, उसको उसकी फेवरेट चीज़ें मिल गई है। और सना ने ना ऊपर से डेरी मिल्क भी दे दिया उसका फेवरेट, तो वही खाते बैठी है। तो अभी हम लोग ये एंजॉय करते हैं, फिर थोड़ा बहुत स्टार्टर ट्राई करते हैं, फिर मम्मी हम लोग आएंगे, फिर थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन करते हैं। ये कौन सा सूप है? चिकन तलमन। चिकन तलमन सूप जो है ना बहुत ही यूनिक लग रहा है,
मसाला टाइम्स जो नाम रखा है ना बिल्कुल वैसा ही है, बहुत ही मसालेदार और चटपटा सूप है। और जिन लोगों को भी मसाला बहुत पसंद है, मतलब ऐसे चटपटी चीज़ बहुत पसंद है, तो उसके उनके लिए ये वाला सूप बहुत अच्छा है। इसमें नूडल्स है, श्रेडेड चिकन है और खूब सारी वेजीज़ है और बहुत ही यम्मी है। खट्टा मीठा इसका टेस्ट है, थोड़ा सा हल्का सा स्पाइसी है, मीडियम स्पाइसी। अगर आपको और कम स्पाइसी है तो वो बैलेंस करके वो लोग दे देंगे। तो चलिए एंजॉय। ये जो है ये सूप की स्पेशलिटी, वैसे तो बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पर, ये बहुत ही स्पेशल है, चिकन तलमेन सूप बहुत अच्छा है। तो हम लोग पहले ये एंजॉय करते हैं। अभी तक मम्मी आए नहीं, बर्थडे गर्ल तो आ ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों इतना लेट कर रहे हैं, उनका ही वेट कर रहे हैं। और फिर थोड़ा बहुत सूप स्टार्टर ट्राई करते हैं और आप लोगों को भी रिव्यू देते हैं कि कैसा है यहाँ का खाना। ये भी है, ये हमने कभी भी ये वाला सूप कहीं पे भी नहीं ट्राई किया, ये थोड़ा यूनिक है और अच्छा भी है। मसाला टाइम्स के ओनर इजाज भाई से, जो कि आपको सारी स्पेशलिटी और डिटेल सारी चीज़ें, मसाला टाइम्स क्यों ओपन किया, क्या सारी चीज़ें मैं पूछने वाली हूँ। ये रहे इजाज भाई, तो आप बताइए आपके मसाला टाइम रेस्टोरेंट की खास बात क्या है। और पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरे मम्मी का बर्थडे जो है वो बहुत स्पेशल बनाया है, और थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया, थैंक यू। और बस आप ऑल ओवर टू इजाज भाई। ये हमारा रेस्टोरेंट जो मसाला टाइम्स है वो कोटक महिंद्रा बैंक ई स्ट्रीट उसके एग्जैक्टली सामने है, और सामने से दिखने में आपको हमारा रेस्टोरेंट छोटा दिखेगा, बट वी हैव गॉट अ व्यूज स्पेस ऑफ 225 गेस्ट। हमारे टोटल सिटिंग कैपेसिटी है 225 लोगों की। हमारा इधर ये पीडीआर सेक्शन जो अभी हम जिधर बैठे हैं वो 30 से 35 लोगों का पीडीआर सेक्शन अलग से, जो काफ़ी बड़ी फैमिली इसके लिए हम लोग अकोमोडेट कर सकते हैं। एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आप बिल पे करोगे आला कार्ट का बिल उसी के अंदर इंक्लूडेड है, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज या अलग से बिल या अलग मेनू नहीं है, इसका कोई अलग प्राइसिंग नहीं है। हमारा माइंडसेट ये रेस्टोरेंट खोलने का यही था कि सारा एज ग्रुप, मतलब घर के बड़े बुजुर्ग से लेके छोटे बच्चे तक, बच्चे लोग तक, सब बैठ के एक ही टेबल पे हर क्विजीन एंजॉय कर सके। जैसा कॉन्टिनेंटल है, ओरिएंटल है, चाइनीज है, बच्चे लोगों को पिज्जा पसंद आते हैं बट हलाल मिलता नहीं है, अपने को सॉसेजेस खाना है बट वो हलाल मिलते नहीं, तो हम लोगों ने इन हाउस सब कुछ बनाया है, सॉसेजेस भी इन हाउस बनता है हमारे पास अलहमदुल्ला। तो ये माइंड सेट हमारा ये था कि सारा एज ग्रुप एक साथ बैठ के खाना खा सकते और वो भी स्पेशियस तरीके से। तो हमारे यहाँ पे भी ऑल एज ग्रुप है, छोटों से मतलब टीनेजर से बड़े लोगों तक भी हम लोग सब आए हैं और सारी चीजें एंजॉय करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो पिज्जा भी है जो कि बच्चे बहुत एंजॉय करने वाले हैं, और भी बच्चे आने वाले हैं अभी। तो बस बहुत ही अच्छा लगा आपका ये जो भी आपने सोचा है, आपका माइंडसेट और एम्बियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के इसमें सोशलाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है और हर किसी को आना है, फोटो निकालना है, पहले तो खाना आते ही पिक्चर्स स्टार्ट हो जाते हैं, स्टोरी ऐड होती है, तो वो आपने दिमाग में रखकर और टेस्टिंग पर भी ध्यान दिया है, ऐसे नहीं सिर्फ एम्बियंस पर, खाने पर भी ध्यान दिया है, टेस्टिंग पर भी ध्यान दिया है। और मुझे सबसे खास बात ये लगी, इस रेस्टोरेंट का नाम बहुत अच्छा है, मसाला टाइम्स, तो आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए और एक बार तो आपको ट्राई करना ज़रूरी है, बहुत ही यम्मी फूड है। और अगर अपने फैमिली के साथ आइए, एंजॉय कीजिए और बहुत सारे फोटोज क्लिक कीजिए, बहुत ही अच्छा, आप कोई भी कॉर्नर पर जाइए बहुत अच्छा फोटो आने वाला है। और शाह जी क्या बोलेंगे? बोलूंगा बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए, और इतनी बोले तो बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट खातिर ला लीजिए। नहीं नहीं, जैसे नाम है ना वैसे वाकई में सब डिशेज है, टेस्ट भी सब वैसे ही है, जैसे इन्होंने कहा हर ग्रुप के लोग खा सकते हैं, तो मैंने टेस्ट किया है काफी कुछ, मुझे बोले तो आप बोल सकते हो कि हटके टेस्ट है, वाकई में हटके टेस्ट है इसका। और खास करके बोले तो मेरी बच्ची को पिज्जा बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा है, बहुत यमी है, और बहुत ही बोले और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, चिकन मतलब ये फ्लेवर है इसमें, मतलब बहुत अच्छा मसाला है। मेरे भी मैं देखा ना तो मेरे को ऐसे लगा कि ये प्रॉन्स है करके ना, हाँ फीका है, प्रॉन्स है, प्रॉन्स में भी होगा ना शायद, हाँ बहुत सारी वैरायटीज है, बट स्पेशलिटी क्या है वो इस टेबल पे है। और मैं स्पेशल थैंक्स करूंगी यहाँ के सब सर्विस जो कर रहे हैं उनका, आप पीछे कैमरा ले सकते हो थोड़ा सा, तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी सर्विस है आप लोगों की, सच में बहुत मतलब पोलाइट है और बहुत ध्यान रख रहे हैं हर चीज़ का, छोटी से छोटी चीज़ का, तो आप लोग ज़रूर विजिट करना। और अब जिसने मेरी आवाज़ से ही मेरी तकलीफों को पहचाना है,
हाँ वो एक माँ है जिसने मुझसे बेहतर मुझको जाना है। खूबसूरती की इंतहा देखी जब मैंने मुस्कुराते हुए अपनी माँ देखी। हैप्पी बर्थडे इनका भी तो बर्थडे, इनकी बीवी का बर्थडे बाद में बोलो। फाइनली आ गए हैं इन लोग, अभी खाना वाना खाते हैं। ठीक है, आज मैंने रोने के लिए नहीं बुलाई, पिछले साल तुम बहुत रोए थे ना। आप ऐसा कभी बहुत ऐसा सोचे थे ना ऐसा भी बर्थडे बनाएंगे, इसलिए आता हूँ। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, तो मैं तो जान भी निकल सकती। जो है सच्चे बोल, अच्छे नूडल्स खा रही हूँ। सच्ची अच्छे, मुझे ये स्टार वाला चाहिए। टेस्ट करो, हाउ इज इट? अच्छा आया था। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा लगा आपको इधर आके? पैटर्न भी अच्छा है, पैटर्न भी अच्छा है। प्रेजेंटेशन मेरा स्टार वाला है। हाँ अच्छा, मेरा आपको यहाँ पे कैसे लगा खाना? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, एंजॉय किया आपने? हाँ बहुत एंजॉय करी। गुड बेबी, हम लोग खेल रहे थे। हाँ अनु के जो बैंगल्स है वो सामने वाले आंटी किधर गए थे? कौन से? गुलबर्गा। गुलबर्गा गए थे ना, वहाँ से लेके आए। बहुत प्यारे, बहुत प्रिटी है शनी। लो मेरे बैंगल। ये तुम्हारे अनु ने लिए नानी के लिए। अच्छा तो मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहती हूँ सुम्बुल और नादिरा को, जो मम्मी के हाथ में इतनी प्यारी मेहंदी लगाए। और मम्मी को ना ज़्यादा खुशी यही चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में ही मिलती है। मैं कैसी हूँ ना, वैसे मेरे मम्मी है, छोटी छोटी चीज़ों में उनको खुशी मिलती है। और गजरा और ये कितने दिन के बाद लगाए तुमने? दिन नहीं, सालों के बाद। मैंने जबरदस्ती, उन्होंने मना किए थे मैं नहीं लगाऊंगी मेहंदी, लेकिन मैंने कल कैसे भी करके मैंने मेहंदी लगाएंगे तो ही तुम्हारा बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट होएगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर वो मतलब सरप्राइज ही हो गया, बगैर बोले ही आकर लगाकर चली गई। और ये छोटा सा गिफ्ट, एकदम छोटा सा गिफ्ट है इस टाइम, थोड़ा सा मम्मी को सारी चीज़ें पता है। वैसे मम्मी ने मना ही किए थे कुछ गिफ्ट लेने के लिए, बट मेरा दिल तो पता है आपको मानता नहीं है, तो छोटा मोटा आप लोगों को तो पता है, आप लोगों ने तो देखा ही है गिफ्ट मैं ले रही थी जब। मेरे लिए बहुत बड़ा बहुत मतलब बहुत बड़ा। मम्मी ने मेरे को थोड़े दिन पहले बोले थे कि मेरी ये नोज पिन खराब हो गई, मुझे ब्लैक कलर की लेनी, देखो मैंने भी लिया वो चेंज करके। और तुम्हारे लिए कैसे लग रही? सबने तो देख लिए जब मैंने ली थी ना ये ब्लैक, उनको ब्लैक स्टोन में चाहिए था, तो ये छोटा सा गिफ्ट, छोटा सा नहीं अनमोल गिफ्ट। बस आप लोग मेरे मम्मी के लिए दुआ करना कि अल्लाह इनका साया हमारे साथ हमेशा बनाए रखे। और इनफैक्ट मेरे पूरी फैमिली के लिए आप लोग दुआ करना। और सबसे ज़्यादा स्पेशल थैंक यू मैं बोलूँगी मसाला टाइम्स का, जो कि इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली है ना, मैं सच बता रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है ना, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग ज़रूर विज़िट करना, बहुत ही अच्छा एम्बियंस है, खाना वाना भी बहुत अच्छा है, सब बहुत टेस्टी है।
आप लोग जरूर आइए, विजिट कीजिए, एक बार जरूर टेस्ट कीजिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना अच्छा है और जेन्युइन है। मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी गलत चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करती हूँ इन्फॉर्मेशन, मैं जो भी है जेन्युइन रिव्यू देती हूँ। मुझे सच में अच्छा लगा, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत पोलाइट है और सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। मैं लास्ट में सारे स्टाफ से भी आप लोगों को मिलाऊंगी और बस दुआ करना। और आज का ऐसा था दिन, मैं ज़्यादा इस बार कुछ ले नहीं पाई मम्मी के लिए क्योंकि इनको मालूम है कि क्या चीज़ें चल रही है, तो इसलिए अब्बा तुम भी आओ क्योंकि मेरे मम्मी को सब, आप लोगों को भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी मालूम पड़ने वाला कि मैं किस चीज़ के लिए, मतलब क्या क्या हम लोग आगे फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, हाँ बहुत बड़ी सरप्राइज है, इसलिए इतना ज़्यादा कुछ नहीं ले पाई मैं, बट ठीक है। मेरे मम्मी अब्बा कुछ, तुम खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश है, अल्लाह आप लोग खुश रखे। तो कैसा लगा यहाँ का खाना? बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो अब्बा ने विश करेगा नहीं तुमको? इतना खिला दिया है ना, बस ऐसा लग रहा है कि यहीं पर सो जाए, इतना खिला दिया है। अब जो है ब्लॉग यहीं पर एंड करने वाली हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा स्टाफ का मैं स्टाफ से मिलवाती हूँ यहाँ के, और फिर हम लोग जा रहे हैं पिंपरी शोहर जी, बाय बाय। मैं इतनी खुश हूँ, कितने महीने के बाद आ रही हूँ मैं? बहुत, 4-5 महीने हो गए मैं पिंपरी नहीं की। अब्बा तो मेरे बहुत खुश है ना अब्बा। चलो चलो मैं पूरा बैग पैक करके आई हूँ। आगे ये स्टाफ है, सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। टाइम्स चलो अल्लाह हाफिज़ बोलो, मेरे बच्चा सताओ मत, ठीक है? और फोन करो याद से, वीडियो कॉल करेंगे, फोन करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे। अच्छा ऐसे विदाई नहीं हो रही तुम लोगों की, ठीक है ना? कुछ भी बोलो, चलो संभाल के जाओ। अल्लाह हाफिज़। हमको नहीं आता। अरे नानी भी चाहिए, अब्बू भी चाहिए। हाँ ये लोग की शादी होंगी तो क्या करेंगे मम्मी? ऐसा नहीं होता बेटा, थोड़ा उधर थोड़ा इधर बैलेंस करने का। फाइनली आ गई हूँ घर, और पर्दे का और मेरे ड्रेस का कलर बिल्कुल मैचिंग हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड। सो ये व्लॉग मैंने एंडिंग नहीं ली थी, तो व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। कल के ब्लॉग में मिलेंगे। बस अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।